नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। वक्त हो चला है शाम हो चली, इस वक्त बुलेटिन का आपके शहर में क्या खबर और कैसे हुआ, तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं आज की तमाम सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, लोगों ने की फूलों की बारिश। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और दूसरे नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पीएम मोदी मध्य रेलवे स्टेशन तक रोड शो के अंदाज में पहुंचे। उनके काफिले के गुजरते ही कई घंटे पहले सड़कों किनारे खड़े होकर लोगों ने उनका अभिवादन किया और उन पर फूलों की बारिश की। मैं किसी मायावती को नहीं जानता, सत्यनारायण कथा की कलावती को सुना है। जेल से छूटते ही पुराने रंग में दिखे बाहुबली आनंद मोहन। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह अभी अपने बेटे चेतानंद की शादी के लिए 15 दिनों के लिए पैरोल पर हैं। आनंद मोहन ने अपनी रिहाई के आदेश पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कानून की जानकारी दी। आईएएस पति को खोने वाली उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को बताया अन्याय, कहा अपराधी को बाहर लाने की क्या जरूरत। बिहार सरकार के कानून में संशोधन कर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर पूर्व आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया है। पीके ने सीएम नीतीश को याद दिलाया चंद्रबाबू नायडू का हश्र, कहा विपक्ष को एकजुट करने में सत्ता से दो बैठे थे हाथ। पटना समेत 14 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट, 26 शहरों का तापमान गिरा, पूरे हफ्ते का मौसम। आपको बता दें मौसम में बदलाव के कारण काफी राहत मिली है। आंधी पानी और पूर्वा चलने से गर्मी काफी कम हो गई है, आने वाले दिनों में मौसम सुहाना हो जाएगा। बिहार के 14 जिलों में आंधी पानी की संभावना जताई गई है। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, पूर्व डिप्टी सीएम के अलावा इन लोगों के भी नाम। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बताया गया है। एजेंसी राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डीएनए न्यूज से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।